अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा हज़रात, वालिदैन और प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं पिछले हिस्से में हमने देखा है कि सेहत को बरकरार रखने के लिए हमारे रोज़मर्रा के मामूलात और हमारी माहौल की और जिस्म की सफाई क्या क्या होनी चाहिए। अब इसी हिस्से में हम देखेंगे कि हमारी मुतवाजन गिज़ा कैसी होनी चाहिए, जैसे कि हमें सुबह नाश्ते में फल का इस्तेमाल करना चाहिए, खाना हम घर का बना हुआ ही खाएंगे इसका हमें ज़्यादा ख्याल रखना है, खाने में हमें ज़्यादातर सब्जियों का इस्तेमाल करना है, और उसी के साथ साथ सुबह से लेकर रात तक हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। हम जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना हमारे सेहत के लिए बहुत मुफीद और कारामत होता है। अब ये तो वही खाने और पीने की बात, अब हम आराम पर आते हैं। हम दिन भर की काम और छोटी मोटी मशक्क़तों के बाद हमें आराम करना ज़रूरी है, जैसे कि हम रात में जल्दी सो जाए, अगर हमें वक्त मिलता है तो दोपहर में थोड़ी सी एक नींद ले ले। आराम हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हमारे घर में मौजूद बैतुल खला है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर जो पब्लिक टॉयलेट होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बैतुल खला में जाने से पहले इस बात का ख्याल रखिए कि वहाँ पे पानी मौजूद है या नहीं, अगर है तो पानी का ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। जब आप बैतुल खला से फारिग हो जाए, जब आप टॉयलेट से फारिग हो जाए, तो आप ज़रूरत के मुताबिक उसमें पानी बहा दें ताकि उसकी भी सफाई बरकरार रहे। जब आप बैतुल खला से फारिग होने के बाद घर पर वापस आए तो आप अच्छी तरीके से अपने हाथ मुंह और पैर को धो लें, हो सकता है तो किसी लिक्विड से या साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। ये सब अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए कारामद है।